नमस्कार दोस्तों इगजामो फोविया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग एम पी पी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं जिसके तहत आज हम लोग अध्याय नंबर आठ मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में देखेंगे जिसके तहत हम लोगों ने फिफ्टी प्लस एम तैयार किए हैं साथ ही उनके कुछ फैक्ट भी होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला है होसंग शाह किस वंश का राजा था तो आपको ये बताना है होसंग शाह किस वंश का राजा था ए ऑप्शन में गजनी वंश बी ऑप्शन में गौरी वंश सी ऑप्शन में वंश डी ऑप्शन में लोदी वंश तो होसंग शाह किस वंश का शासक था तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन गौरी वंश का राजा था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था तो तोमर वंश का अंतिम शासक का नाम बताना है तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर सिंह जो है तोमर वंश का अंतिम शासक था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा यशोवर्धन कहाँ का शासक था यशोवर्धन कहाँ का शासक था ऑप्शन में रायसेन बी ऑप्शन में दसपुर सी ऑप्शन में मंडला डी ऑप्शन में रतनगढ़ तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन दसपुर सही हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगुआ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगुआ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ए ऑप्शन में वंश बी ऑप्शन में चंदेल वंश सी ऑप्शन में वंश डी ऑप्शन में नागवंश तो इसका सही जवाब क्या होगा ए ऑप्शन गुप्त वंश के शासकों ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था ए ऑप्शन सही हो जाएगा अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा निम्न में से किस राजा ने देव नाम प्रियम की उपाधि धारण की थी किस तरह की उपाधि धारण की थी देव नाम प्रियम की उपाधि धारण की थी किस राजा ने तो पांचवें का सही जवाब क्या होगा ए ऑप्शन अशोक ने यह उपाधि धारण की थी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है ए ऑप्शन में कल्चुरी बी ऑप्शन में प्रतिहार सी ऑप्शन में चालुक डी ऑप्शन में काकती है तो बताइए कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है छठवें का सही जवाब है ए ऑप्शन कलचुरी जो है राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था तो सातवें का सही जवाब क्या होगा ए ऑप्शन बुंदेलो ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी ए ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी बी ऑप्शन में अल्प खां सी ऑप्शन में हुसंग शाह और डी ऑप्शन में दिलावर खां तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौहाँ त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी ए ऑप्शन में परमार बी ऑप्शन में चंदेल सी ऑप्शन में कल्चुरी और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं तो त्रिपुरी जो है कल्चुरी की कल्चुरी वंश की राजधानी थी सी ऑप्शन सही है अगला है क्वेश्चन नंबर दसवा गोंड वंश की स्थापना किसने की थी गोंड वंश की स्थापना किसने की थी बताइए सही जवाब बताइए इसका इसका सही जवाब जदोराय ने गोंडवंश की स्थापना की थी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला है क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था ए ऑप्शन में मौर्य वंश बी ऑप्शन में गुप्त वंश सी ऑप्शन में वकाटक वंश और डी ऑप्शन में नागवंश तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन गुप्त वंश के शासकों ने गरुण को राजकीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया था अगला है क्वेश्चन नंबर बारवा खजुराहो मंदिरों में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश की किस शासक ने करवाया था तो खजुराहो में जो जैन मंदिर स्थित हैं उनका निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने करवाया था तो चंदेल वंश के धंग शासक ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था ए ऑप्शन सही है अगला है क्वेश्चन नंबर तेरह रुद्र दमन किस वंश का शासक था रुद्र दमन किस वंश का शासक था तो ये जो है सक वंश का शासक था डी ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौदह इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था तो मल्हार राव होलकर इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे कौन थे मल्हार राव होलकर अगला है क्वेश्चन नंबर पंद्रह अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था ये क्वेश्चन एम पी पी से दो हज़ार चौदह के एग्जाम में पूछा गया है अफगान वंश का अंतिम शासक बताना है तो अफगान वंश का अंतिम शासक हमीदुल्ला था ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सोलह उदयगिरी की गुफाओं में तिगुआ के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था तो उदयगिरी की गुफाओं में तिगुआ के मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था बी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सत्रह मध्य प्रदेश के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है राजधानियों का आपस में जोड़ा देखना है तो किसका जोड़ा सही नहीं है तो यहां पर परमार वंश का जो है इंदौर से ये जोड़ा सही नहीं है बाकी कलचुरी वंश का त्रिपुरी सही है बुंदेलों का ओरछा और वंश का दसपुर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अठारह त्रिपुरी क्षेत्र यानी आधुनिक तेवर जहां बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है तब का त्रिपुरी क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह बताना है आपको तो यह जो है विरसा जिले में स्थित है डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उन्नीस नागवंश शासनकालीन सिक्के प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं तो उन्नीस का सही जवाब है ए ऑप्शन ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं नांगवंश शासनकालीन के सिक्के। ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बीस जयपिल्ला वंश की स्थापना कब की गई थी तो बीस का सही जवाब है ए ऑप्शन तेरहवीं शताब्दी में की गई थी जयपिल्ला वंश की स्थापना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में कब से कब तक था तो 21 का सही जवाब क्या है बी ऑप्शन तेरह से 1518 के बीच में तोमर वंश के अधिकार में था ग्वालियर का किला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। होलकर वंश ने निम्न में से कहां स्वतंत्र शासन किया था होलकर वंश ने निम्न में से कहाँ स्वतंत्र शासन किया था तो उन्होंने इंदौर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन किया था सी ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन नंबर तेईस महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की थी यह क्वेश्चन एमपी पटवारी 2008 के एग्जाम में पूछा गया है तो उन्होंने 1810 सौ ईस्वी में अपनी राजधानी इंदौर से ग्वालियर शिफ्ट की थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौबीस देवी अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था देवी अहिल्याबाई ने निम्न में से किस क्षेत्र में शासन किया था तो उन्होंने इंदौर क्षेत्र में शासन किया था ये ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पच्चीस मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था पच्चीस का सही जवाब है यशवंत राव होलकर यशवंत राव होलकर मालवा के वह प्रथम शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत का बीड़ा उठाया था यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लीजिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छब्बीस शकों के पतन के बाद पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हुआ था जब शक वंशों का पतन हो रहा था उस समय पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हो रहा था तो वहाँ पर ओलिकर वंश का उदय हो रहा था सी ऑप्शन सही है ओलिकर वंश का उदय हुआ था वहाँ पर पश्चिमी मालवा में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सत्ताईस मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी सत्ताईस का सही जवाब है कृष्णराज जिन्हें उपेंद्र भी कहा जाता था ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस तोमर वंश का संस्थापक कौन था तोमर वंश का संस्थापक कौन था तो यहां पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वीर सिंह देव तोमर वंश के संस्थापक थे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उनतीस शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुधाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था उनतीस का सही जवाब डी ऑप्शन सिवनी में उन्होंने शासन किया था ये भगवान राम के छोटे भाई जो शत्रुघ्न थे उनका ही पुत्र था शत्रु धाती जिन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी क्षेत्र में शासन किया था नेक्स्ट है क्वेश्चन है नंबर तीस हाय वंश से संबंधित राजा कौन है निम्न में से बताना है छांट के कि कौन सा हय वंश से संबंधित राजा है तो इसका सही जवाब है कृष्णराज भी है बुद्धराज भी है और शंकरगढ़ भी है यानी डी ऑप्शन सही है ये तीनों ही सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इकतीस दसवीं सदी में कच्छ प्रघात यानी कछुआ वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित था कछुआ वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित था दसवीं शताब्दी में इसका सही जवाब है दुपकुंड में ग्वालियर में और नरवर तीनों जगह ही था यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इन सभी जगह था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बत्तीस परमार वंश का अंतिम शासक कौन था परमार वंश का अंतिम शासक महलकदेव था महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक था सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तैतीस ते परमार वंश के प्रतापी शासक ने चालुक वंश के तैलप राजा का वध किया था तो कौन से तैलप राजा का वध किया था यह बताना है यहाँ पे तो उन्होंने राजा भोज का वध किया था सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौंतीस निम्नलिखित में से कौन सा शासक परमार वंश से नहीं जुड़ा है चार शासकों का नाम दिया हुआ है उनमें से एक जो है गलत ऑप्शन है उसको चूज करके बताना है तो यहां पर धंग जो राजा है वो परमार वंश के नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पैंतीस। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन नाग वंश की राजधानी थी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छत्तीस। ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासन था छत्तीस का सही जवाब होगा प्रतिहार वंश का शासन था सी ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन नंबर सैंतीस चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो इसके अभिलेख जो है खज, खजुराहो अजयगढ़ और महोबा इन तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर अड़तीस महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था तो पांडवों की ओर से किन महाजनपदों ने युद्ध लड़ा था तो वत्स दर्शाण काशी इन तीनों महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उनतालीस गोपाद्री यानी ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से ग्वालियर छीन अपने आधिपत्य में ले लिया था ये बताना है यहाँ पे तो उनतालीस का सही जवाब है ए ऑप्शन धंग जो वंश के शासक थे उन्होंने प्रतिहारों से ग्वालियर छीन लिया था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन किस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय प्राप्त करके हिरण गर्भधान संस्कार को संपादित किया था तो चालीस का सही जवाब है ए ऑप्शन दंती दुर्ग दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद हिरण गर्भधान संस्कार को संपादित किया था अगला है क्वेश्चन नंबर इकतालीस चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी इस वंश का प्रथम शासक कौन था चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी तो इसका प्रथम शासक कौन था तो इसका प्रथम शासक था नन्नुक। ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बयालीस बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी तो बांधवगढ़ मगराज वंश की राजधानी थी बी ऑप्शन सही है यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तैतालीस किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया था किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग कीर्ति नारायण मंदिर और कीर्ति नारायण सागर का निर्माण करवाया तो फोर्टी थ्री का सही जवाब होगा ए ऑप्शन कीर्तिपाल ने इस दुर्ग और सागर का निर्माण करवाया था अगला है क्वेश्चन नंबर चवालीस हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ तो 44 -फोर का सही जवाब है ए ऑप्शन सुंग वंश के दरबार में उपस्थित हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता ओंकरेश्वर नगरी किसने बसाई थी क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 के एग्जाम में पूछा गया है तो इसका सही जवाब क्या होगा मुचकुंद ने बसाई थी ऑप्शन सही है मुचकुंद ने मानधाता ओंकरेश्वर नगरी बसाई थी नर्मदा नदी के तट पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर छियालीस सेलव के शासनकालीन सिक्के मध्यप्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं श के शासनकालीन सिक्के मध्यप्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये जो है राधोली बालाघाट से प्राप्त हुए हैं ये ऑप्शन सही है पे। बालाघाट से प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सैतालीस चंदेल शासक धंगदेव के राज्य में मध्यप्रदेश के कौन से क्षेत्र शामिल थे तो सैतालीस का सही जवाब है दुर्ग दुर्ग और विदा शामिल थे यानी डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। चंदेल वंश के किस शासक का 1544 सौ ईस्वी में शेरशाह सूरी के कलिंजर के किले पर युद्ध हुआ था तो चंदेल वंश के कीरत सिंह नाम के शासक से शेरशाह सूरी के कलिंजर में युद्ध हुआ था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उनचास मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था तो मांडू का वो कौन सा शासक था तो होसंग शाह था वो सी ऑप्शन सही है शाह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पचास नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन मेहरबान सिंह अगला है क्वेश्चन नंबर इक्यावन निम्नलिखित में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की थी तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन होसंग शाह ने इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन इस तरीके से हम लोगों ने प्रदेश के राजवंश से फिफ्टी वन क्वेश्चन डिस्कस किए